5:15 पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ और 5:50 पर निकल रहा हूँ। 35 मिनट का स्टॉप लिया था और बर्गर खा के यहाँ से निकल रहा हूँ। मैं हूँ शाहिद मुंबई से, आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। सफ़र जारी है जयपुर से मुंबई। ये किशनगढ़ है, किशनगढ़ जयपुर का कस्बा है या कि ख़ुद एक ज़िला है या किसी और ज़िले के अंदर है मुझे नहीं पता, लेकिन जयपुर से काफ़ी दूर आ चुका हूँ और यहाँ पर रुककर मैंने नाश्ता किया है। खाना तो नहीं कहेंगे, हाँ किंग बर्गर में रुककर बर्गर खाया है हम लोगों ने। किशनगढ़ की मेन आबादी 7 किलोमीटर आगे है, ये भी किशनगढ़ है लेकिन मेन आबादी 7 किलोमीटर के बाद मिलेगी, वो भी आगे। नसीराबाद के लिए बाएं मुड़ना पड़ेगा और बाएं मुड़ने के बाद 37 किलोमीटर के बाद मिलेगा नसीराबाद, और सीधा अगर चलते रहें तो 33 किलोमीटर के बाद अजमेर पहुंच जाऊंगा और अहमदाबाद यहां से 566 किलोमीटर है। उदयपुर, अहमदाबाद और मुंबई के लिए सीधी रोड चली गई है NH 48। के ऊपर गाड़ी चल रही है लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है, इससे कोई दहशत नहीं है, लेकिन जब मैं वीडियो देखता हूँ इतनी स्पीड में तब मुझे डर लगता है। टिकावड़ा के लिए बाएं तरफ से लिपटाने हैं। मुंबई यहाँ से 1037 किलोमीटर दूर है, अहमदाबाद 549 किलोमीटर दूर है यहाँ से। शाम को 6:05 हो चुके हैं और अब शाम अच्छी तरह हो चुकी है और रात पीछे से चली आ रही है। सनसेट होने में काफ़ी टाइम है लेकिन दिन और रात का मिक्सिंग है इसलिए थोड़ी रोशनी कम होती जा रही है धीरे धीरे
कम से कम तर होती चली जा रही है। और वीडियो के आखिर में आप देखेंगे कि अंधेरा बिल्कुल होने को है और दिन पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। मुझे लगता है यही किशनगढ़ है। अजमेर और नसीराबाद जाने के लिए बाईं तरफ से बाहर निकलेंगे, यानी लेफ़्ट साइड में से लेफ्ट टर्न है, उसके बाद एक और ब्रिज मिलेगा, उसके नीचे से राइट टर्न मारेंगे तो वो रास्ता चली जाती है सीधा अजमेर और नसीराबाद दोनों के लिए। फिर आगे से बढ़ जाती है, अजमेर अलग रोड पे चला जाता है और नसीराबाद की रोड अलग चली जाती है। यहाँ से राइट मारना पड़ता, लेकिन मुझे तो जाना नहीं है, मैं क्यों मारूं राइट। नसीराबाद जाने के लिए अभी भी एक ऑप्शन बचा है, लेफ्ट साइड से बाहर निकलकर कोई टर्न मारना पड़ेगा शायद, और कोटा के लिए भी लेफ्ट साइड से बाहर निकलेंगे। ये है खेड़ी टोल प्लाज़ा, चार्जेस हैं 140 रुपये, 140 रुपीज़।
खेड़ी टोल प्लाज़ा इस सफ़र का तीसरा टोल प्लाज़ा। शाम को 6:35 हो चुके हैं, रात धीरे धीरे चली आ रही है, अभी सनसेट नहीं हुआ है, अभी टाइम है सनसेट में। मुझे लगता है कि सनसेट हो चुका है या फिर सनसेट होने वाला है, बिल्कुल करीब का मामला है। और अब चाय पीने के लिए कहीं पे रुकना है क्योंकि शाम की चाय अभी बाकी है। सफ़र की शाम बड़ी उदास होती है लेकिन बहुत खूबसूरत होती है। आसमान पे जो मंज़र होता है वो देखने लायक होता है शाम को, सनसेट के बिल्कुल करीब, आगे या पीछे। सफ़र की शाम बहुत खूबसूरत होती है, उदास भी होती है, शायद लफ्ज़ों में ना बयान किया जा सके।
ये है गुलाब पौध, और गुलाब पौध में मैंने स्टे लिया है थोड़ी देर के लिए। ये टी टाइम है, शाम की चाय बहुत ज़रूरी है।